देखा भाई देखा, कल जिता दिया ना पंजाब को। T20 के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेस कल हुआ, और तुम्हारे भाई ने अपने लाइव शो पे टॉस के बाद ये बोला हुआ था कि भाई 8 विकेट से पंजाब ये मैच जीतेगी चाहे जितना बड़ा स्कोर लग जाए। इवन जब कलकत्ता की टीम ने 10 ओवर में 125-130 रन बना लिए थे, तब भी तुम्हारे भाई ने टेलीग्राम पर बोला था भाई ये मैच पंजाब जीतेगी, फेवरेट्स होगी पंजाब एक टाइम पे, आपका प्रॉफिट पक्का है, आप रिस्क लो मेरे कहने पे। वो तो भाई बीच में मेरा खैर मूड भी खराब हुआ था, मैंने बोला था पंजाब के प्लेयर्स अच्छे नहीं लग रहे, बट और उसके बाद जब ये साला कल हो गया कि टेलीग्राम का सर्वर डाउन हो गया, वरना इतना ज़्यादा ज़बरदस्ती मैं आप लोग को टेलीग्राम पर पिंग करता और ज़बरदस्ती आप लोग का पैसा इन्वेस्ट कराता पंजाब के ऊपर और आपका प्रॉफिट कराता। खैर कोई नहीं, फैंटेसी में तो हम लोगों ने ब्लास्ट कर ही दिया। मैंने आप लोगों से क्लियर बोला था, लाइव शो पे बोला था कि आज पंजाब के सारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रन बनाने वाले हैं, सभी ने रन बनाए। ये तक बोला था मैंने लाइव शो पे कि KKR के सारे बॉलर फ्लॉप होंगे, आप KKR के कोई भी बॉलर मत पिक करो टीम में, सारे के सारे बॉलर KKR के फ्लॉप हुए। तो भाई लाइव शो जो होता है हमारा मैच से टॉस से आधे घंटे पहले, आज भी होगा इस मैच के लिए 2:30 बजे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी अगर मेरी टीम में, सही बता रहा हूँ, अगर मैंने अगर सुनील नारायण को वाइस कैप्टन की जगह पर अगर कैप्टन ट्राई कर लिया होता ना भाई, सारी मिनी ग्रैंड लीग और 10,000-1,00,000 मेंबर वाली लीग तुम्हारा भाई जीतता। अगर मैंने शशांक सिंह को टीम में ले लिया होता तो भी मैं जीतता। और श्रेयस अय्यर पता नहीं खुद क्यों आगे बैटिंग करने, अगर ये रिंकू सिंह को भेज देते अपनी जगह पर तब भी मैं जीत जाता। 10-15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट से मैं सारी ग्रैंड लीग मिस कर गया यार। कोई बात नहीं, मगर स्मॉल लीग में तुम्हारे भाई ने तगड़ा मोटा पैसा छापा है, 15-20 लाख रुपये कल भी मैंने कमाए, प्रॉफिट कमाया इतने का, विनिंग तो काफ़ी ज़्यादा है। खैर कोई नहीं, चलो अपना तो प्रॉफिट होता रहता है और बढ़िया है, और आप लोगों का भी प्रॉफिट होता रहे, ऐसे ही पर वाले कृपा बनी रहे, नज़र ना लगे किसी की, थू है ना। और आज के ऊपर ध्यान देते हैं, आज भाई साहब 2 मैचेस हैं IPL के, और दोनों ही मैचेस की वीडियो मैं बना रहा हूँ। पहले मैच की वीडियो आप देख रहे हो, दूसरे मैच की वीडियो आपको मिल जाएगी सुबह 10 बजे, तो दोनों मैचेस की वीडियो देख लेना। फिलहाल इस वीडियो में पूरा वीडियो देखना शुरू से एंड तक, कोई भी पॉइंट आप मिस ना करना। अगर आप वीडियो में कोई भी पॉइंट अगर आप मिस करते हो तो आप हो सकता है कि आप उस एक पॉइंट से आप क्लीन स्वीप मिस कर जाओ या ग्रैंड लीग मिस कर जाओ, क्योंकि भाई साहब अपने प्रेडिक्शन ऐसे ही होते हैं, अपना जो ज्ञान है वो ऐसे ही होता है, बाकियों से हटके एकदम सब चलता है। ठीक है, तो हर चीज़ ध्यान से सुनना, पूरा टाइम देना वीडियो को, आप पूरा वीडियो को टाइम दो, शिद्दत से वीडियो देखो, एफर्ट्स उठाओ, मेहनत करो, कागज़ में लिखो कब किसको लेना है, कब ड्रॉप करना है, सारी चीज़ नोट डाउन करो और फिर टीम बनाओ। रिजल्ट अच्छा ना आए तो नाम बदल देना, ठीक है, ये तुम्हारे भाई की जुबान है। बढ़िया रिजल्ट आने वाला है, इसमें भी हम लोग क्लीन स्वीप करेंगे, दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो, बस सब लोग एक एक लाइक और एक एक कमेंट कर दो। कल मैंने आप लोगों से 80-90 हज़ार लाइक मांगे थे, आप लोगों ने पूरे कर दिए थे। इस वीडियो में भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग 90 हज़ार लाइक कर दो, तो अगर 90 हज़ार लाइक इस वाली वीडियो में हो जाते हैं तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और सबकी दुआ एक साथ लगेगी और सबका प्रॉफिट एक साथ होगा। ठीक है, सभी लोगों को लाइक और कमेंट करके प्यार देना है छोटे भाई को दबा के इस वीडियो पे, तो कर दो लाइक और कमेंट। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप मेरी वीडियो कोई मिस नहीं करोगे, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना, कोई भी वीडियो मत मिस करना। और हम इस मैच के लिए लाइव शो अपना करेंगे 2:30 बजे, तो 2:30 बजे लाइव जब आए हम तो आ जाना शो देखने। शो पे क्या ही मतलब खतरनाक प्रेडिक्शन आते हैं टॉस के बाद, और मज़ा आ जाता है। जैसे ही टॉस हुआ था तो मैं भाई ने बोला अरे पंजाब जीत गई मैच, ठीक है, कॉन्फिडेंस देखो एक बार, देखोगे जाके कल वाले लाइव शो पे कॉन्फिडेंस, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते फिर आज के वीडियो। एडिटर साहब इंट्रो लगाओ, स्वागत करो हमारा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, बड़े हुए स्वागत है एक और नई फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज होने वाला IPL का मैच नंबर 43, जो कि खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। ये मैच होगा भाई साहब दिल्ली में। हम बात करेंगे इस वीडियो में क्या टीम न्यूज होगी दोनों टीम्स की, क्या प्लेइंग 11 और क्या बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस होने वाले हैं खास करके दिल्ली की टीम में। पिच और ग्राउंड के बारे में अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, दिन का मैच है तो अच्छे से जानकारी ले लेना पिच के बारे में, खिलाड़ियों के आपको स्टैट्स बताएंगे किसके रिकॉर्ड अच्छे हैं किसके खराब हैं, क्यों अच्छे हैं क्यों खराब हैं एक्सप्लेन करूंगा, फैंटेसी में जो स्टैट्स आपके काम के सिर्फ उन्हीं स्टैट्स की हम बात करेंगे, बाकी किसी फालतू स्टैट की बात करके आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। प्लेयर्स के आपको मैचअप्स देंगे क्योंकि कौन सा बल्लेबाज कितने बॉलर के सामने परेशान हो रहा है, किसके चलने के चांसेस हैं किसके फ्लॉप होने के चांसेस हैं, बाकी फैंटेसी की टिप्स भी आपको दे देंगे कि भाई किसको अपनी टीम में आपको कब पिक करना है कब किसको ड्रॉप करना है, ठीक है, ताकि आपको पता चले आपकी टीम कैसे बनानी है। और मेरे जो मैच के प्रेडिक्शन है वो भी आपको वीडियो मिल जाएंगे,
तो प्रेडिक्शन भी ध्यान से सुन लेना, ठीक है। और जो हमारी फैंटेसी टीम है इस मैच की वो भी मैं दे दूंगा, वो भी एक बार देख लेना। लेकिन जो टीम मैं आपको फैंटेसी की इस वीडियो में दूंगा वो मेरी भाई साहब फाइनल टीम नहीं होगी। फाइनल टीम आपको मेरी मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। जी हाँ, टेलीग्राम पर अपना परिवार 17 लाख लोगों का हो चुका है, 1.7 मिलियन लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं। 17 लाख लोगों का परिवार हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो टेलीग्राम से तो जाके जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, उस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करो, वरना टेलीग्राम पर आप सर्च कर लो @AnuragXCricket। आपको हमारा असली चैनल ज्वाइन करना है जिस पर ब्लू टिक लगा है, 17 लाख लोग जुड़े हैं, ठीक है, वेरीफाइड चैनल है। चलो बाकी रही बात गिवअवे के विनर्स की, भाई कल भी चार पाँच लोगों ने 5,000 रुपये जीत लिए हैं, जिन्होंने हमारे वीडियो में गिवअवे में पार्टिसिपेट किया था और सही जवाब दिया। तो ये है, और जिन लोगों को नहीं पता है कि गिवअवे क्या होता है, भाई पूरा वीडियो आप देखो। सिंपल, आपसे मैं इस वीडियो में 3 सवाल पूछूंगा, उन तीनों सवालों का आपको जवाब देना है कमेंट करके, और अगर आपके तीनों सवालों के जवाब अगर आपके सही हुए तो आप जीत जाएंगे 5,000 रुपये। कल की वीडियो में आपका नाम भी आ जाएगा। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो लाइक और सब्सक्राइब अभी कर दो, बाद वाला झंझट मत रखो। और बाकी जब मैं आपसे सवाल पूछूं, सवालों का जवाब कमेंट करके दे देना, तुक्का मारना। तुक्का मार के ही लोग जीतते हैं, कन्फर्म किसी को नहीं पता होता, तो 1 मिनट काम होता है, तुक्का मार देना, ठीक है। और बाकी एक और इन्फॉर्मेशन भाई, आज से हमारे इंस्टाग्राम पर भी गिव अवे स्टार्ट हो रहा है। तो अब होगा क्या कि मैं इंस्टाग्राम पे हर मैच की प्रेडिक्शन वाली रील जो बनाता हूँ, उस रील पर आपको जो भी मैं आप लोगों से सवाल पूछूँ उसका जवाब कमेंट करना। अगर वहाँ पर भी अगर आपका जवाब सही बैठ गया, और यहाँ पर सवाल अलग होंगे, वहाँ पर सवाल अलग होंगे, तो चाहे जहाँ पर आप जीतो मगर अगर आपका जवाब सही हुआ आप जीत जाएंगे। वहाँ पर भी कुछ अमाउंट मैं डिसाइड करूँगा, वो आपको रील पर पता चल जाएगा। तो तुक्का वहाँ पर भी मारना, क्या पता वहाँ पर आप जीत जाओ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो जिन लोगों ने नहीं किया है। बाकी दोस्तों बात करते हैं, चलो हम टीम न्यूज़ की। तो इस मैच की भाई टीम न्यूज़ की बात करें, भाई रिवर्स फिक्चर है ये भी। मुंबई ने बड़ा टोटल बनाया था 234 रन का, जब मुंबई मैच हुआ था दिल्ली से, और दिल्ली 29 रन से मैच हार गई थी। उस मैच में डेविड वार्नर, ऋषभ पंत फ्लॉप हुए थे, मुझे अच्छे से पता है। स्टंप्स का बल्ला चला था, नहीं आई थिंक स्टंप्स का भी बल्ला कुछ खास, हाँ चला था, ठीक ठाक चला था। बाकी गुलाबदीन नैब ने भाई साहब दिल्ली की टीम ज्वाइन कर ली है। किसकी रिप्लेसमेंट है? मिचेल मार्श। बैटिंग ये भी कर लेते हैं, और राइट आर्म मीडियम पेसर हैं, अच्छे बॉलर भी हैं और एक्सपीरियंस बहुत है। बाकी ईशान शर्मा और डेविड वार्नर अभी भी रिकवरी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इस मैच में भी नहीं खेलेंगे, ठीक है। बाकी दोनों टीमें एक आध चेंज अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट में कर सकती हैं, जिसकी हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते, देखते हैं क्या चेंजेस करेंगी। फिलहाल हम देख लेते हैं अपनी मैच की प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की, तो ध्यान से सुनना प्लेइंग 11, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर का डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। पर हाँ, प्लेइंग 11 डिस्कस करने से पहले ये जरूर डिस्कशन करना भाई कि मैं अभी भी, मेरी पूरी यूट्यूब की जनता विजन 11 पर नहीं खेल रही है, इस बात से मैं नाराज़ हूँ। क्योंकि आपको पता है मैं आपको हर सलाह आपके फ़ायदे के लिए देता हूँ, आप ही का फ़ायदा है। जैसे विजन 11 पर खेलने में आप ही का फ़ायदा है, आप खुद ही अपने स्क्रीन पर देखोगे रिम ग्रीम 11 पर खेल के आप कितना ज़्यादा कमीशन दे रहे हो, कितनी ज़्यादा एंट्री फीस आपसे ली जा रही है, मगर वही कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस विजन 11 पर कितनी कम है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ आपका कितना पैसा बचता है अगर आप विजन 11 पर खेलते हो, ना कि रिम ग्रीम 11 पर, ठीक है। यहाँ पर खेलो स्मॉल लीग, और ग्रैंड लीग भी विजन 11 पर ही खेलो। यहाँ पर भाई साहब करोड़ों की मेगा लीग होती है, 3-4 लाख लोगों को हरा दो, फर्स्ट आके आप बन जाओ 50 लाख के मालिक बन जाओ। तो भाई यहाँ पर ग्रैंड लीग जीतना बहुत आसान है, तो यहीं पर ग्रैंड लीग खेला करो। रिम ग्रीम 11 पर ग्रैंड लीग खेलना और जीतना बहुत मुश्किल है। हम लोग क्या तुक्का मारना है, तो वो तो तुक्का है, वहाँ पर 2 करोड़ लोग को हराना है, यहाँ पर 4 लाख लोग को हराना है। यहीं पर मारो, यहाँ पर जीतने के चांस आपके ज़्यादा हैं। बाकी 50,000 रुपये का फ्री गिव अवे कॉन्टेस्ट आज वाले मैच में भी है, तो जिनके पास पैसे नहीं वो लोग जाके फ्री में खेल सकते हैं। लिंक अब मैंने आपको दे दिया है विजन 11 का डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। मेरे लिंक से अगर आप डाउनलोड करोगे विजन 11 का ऐप, तो आपको 100 रुपये का रियल कैश मिलेगा साइनअप करने पर, ठीक है। तो जो कि पूरा आप यूज़ कर सकते हो, तो लिंक मैंने दे दिया विजन 11 का डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। मेरे लिंक से डाउनलोड करो और रेफर कोड यूज़ करो अनुराग, ताकि आपको वेलकम बोनस मिल जाए और वहाँ पर भी आप हमारे परिवार का हिस्सा बनो, ठीक है। चलिए डाउनलोड करें ना विजन 11। बात करते हैं दोस्तों दिल्ली की प्लेइंग 11। तो पृथ्वी शॉ और जैक फ्रेजर मैकगर्क आपको ओपन करते हुए दिखेंगे फिर से दिल्ली के लिए। 3 नंबर पर मेरे ख्याल से भाई अक्षर पटेल फिर से आएंगे, क्योंकि दिल्ली में ही उन्होंने रन बनाए और दिन का मैच है, और आई थिंक अब जो रन बना चुके उस पोजीशन पे, तो मेरे ख्याल से अक्षर पटेल को बैक करेंगे। तो 3 नंबर पर आपको फिर से खेलते हुए दिख सकते हैं अक्षर पटेल। उसके बाद शाई होप हैं, 5 नंबर पर हैं ऋषभ पंत, उसके बाद ट्रिस्टन स्टेप्स हैं, अभिषेक पोरेल हैं, कुलदीप यादव हैं, मुकेश कुमार और एंड्रिक नॉर्किया और लिजार्ड विलियम्स में से कोई एक प्लेयर आज खेलेगा। मुझे लग रहा है कि लिजार्ड विलियम्स को मौका दिया जाएगा, क्योंकि लिजार्ड विलियम्स भी बहुत बढ़िया बॉलर है, साउथ अफ्रीका के हैं और डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग कराते हैं। बाकी खलील अहमद भी इनकी प्लेइंग 11 में होंगे। हाँ, इम्पैक्ट प्ले के तौर पर या तो ये ललित यादव को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि सामने मुंबई में लेफ्ट हैंडर्स हैं, निहाल वदेरा हैं, तिलक वर्मा है, ईशान किशन है, और या तो फिर ये रसिक सलाम के साथ ही जाएंगे। तो देखते हैं क्या डिसीजन ऋषभ पंत लेते हैं, ठीक है। बाकी बात करें मुंबई की, अगर हम प्लेइंग 11 की, तो इनकी प्लेइंग 11 मैंने ऑलमोस्ट वही दे दी है जो लास्ट मैच में थी। रोहित शर्मा, ईशान किशन,
दोनों ओपन करेंगे, तीन नंबर पर आएंगे सूर्य कुमार यादव, चार पर तिलक वर्मा है, पाँच पर निहाल वधेरा को मैंने फिर से दिया। हो सकता कि पाँच पर अगर पहले बैटिंग कर रही हो, ऊपर पार्टनरशिप लग चुकी हो, तो हो सकता है कि टीम द्रविड़ी हार्दिक पांड्या प्रमोट कर दिया जाए या खुद प्रमोट हो जाए, बट मैंने पाँच पर दिया निहाल वधेरा को। फिर हार्दिक पांड्या, टीम द्रविड़ है, मोहम्मद नाबी हैं, विराट कोहलियाँ हैं, पीयूष चावला और जसप्रीत बुमराह, और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर यहाँ पर बॉलिंग कराने आएंगे तो नुवन तुचारा। भाई नुवन तुचारा बहुत ही बढ़िया बॉलर है, बॉलिंग फर्स्ट करते हो अपनी टीम में आप जरूर ट्राई करना, ठीक है। अब बात करते हैं भाई हम पिच के बारे में, तो भाई ये मैच होने वाला दिल्ली में, लेकिन पिच के बारे में बात करने से पहले कोच बता दो, जिस पिच इस पिच पर मैच तो खेला जाएगा, दिन का मैच है, मैच बहुत अलग होने वाला है, मगर एक आप अपने मैच तो अलग हो चलेगा, आप अपने पैसे कमाने का तरीका अलग कर लो। जिन लोगों की किस्मत फैंटेसी में साथ नहीं दे रही, एक एक प्लेयर से कैप्टन वाइस कैप्टन से हार जाते हैं, वो लोग प्रोबो ट्राई करें। कल मैंने भाई साहब 96 लाख रुपए की विनिंग करी है प्रोबो पे, आप मानोगे नहीं, 10 लाख रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, एक लाख रुपए के 10 लाख रुपए मिल रहे थे, अगर आप ये बोलते कि हाँ पंजाब मैच जीत रही है, ठीक है। अगर आप इसकी जीत को के कोलकाता की जीत को अगर आप नो करते प्रोबो पर, तो आपको 10,000 रुपए के 1 लाख रुपए मिलते, ये वो चल रहा था, ठीक है। हालांकि जब मैंने किया तो लोड बढ़ गया, तो मुझे 96 लाख की मेरी विनिंग हुई, मगर 10 गुना पैसा मिल रहा था। तो वैसे बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है प्रोबो। प्रोबो क्या है, सिंपल तरीके से ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इंडिया के सबसे पहला सबसे बड़ा ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप एक एक प्लेयर की प्रेडिक्शन पे, टीम की प्रेडिक्शन पे, 6-6 ओवर की प्रेडिक्शन पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं समझाता हूँ, जैसे आपको फैंटेसी में 11 प्लेयर की टीम बनानी पड़ती है, कैप्टन वाइस कैप्टन चुनना पड़ता है, यहाँ पर आपको 11 खिलाड़ियों पर, कैप्टन वाइस कैप्टन के ऊपर डिपेंड नहीं होना, एक एक प्लेयर के एक एक प्रेडिक्शन पे आप पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आज के मैच में एक सवाल है कि ललित यादव के आज प्लेइंग 11 में होगा, भाई खेल सकता है, चांसेस तो है, दिन का मैच है, स्प्रिंट फ्रेंडली, पिच भी ड्राई होगी, तो ललित यादव खेल सकता है, तो आप ये यस कर सकते हो कि हाँ ललित यादव प्लेइंग 11 में होगा। बाकी सवाल ये है कि दिल्ली की टीम आज का मैच जीतेगी, यस या नो, मुझे लग रहा है नहीं जीतेगी, तो मैं नो करूँगा, नो पे पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। मैगर आज 25 रन बनाएगा, बना सकता है पावर प्ले में, तो मैं इसमें कर दूंगा यस। उसके बाद सूर्य कुमार यादव 25 रन बनाएगा, मैं करूँगा यस। उसके बाद डेविड वॉर्नर 25 बनाएगा, वॉर्नर तो खेलेगा ही नहीं भाई, मुझे मुश्किल लग रहा है, तो मैं इसमें करूँगा नो। इस तरीके से यस या नो में आप चल रहे सवालों के जवाब दे सकते हो और पैसे जीत सकते हो। तो जाओ, जिनके पास प्रोबो का ऐप नहीं है, प्रोबो का ऐप डाउनलोड कर लो, प्रोबो का लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, मेरे लिंक से जाओगे तो आपको 100 रुपये का रियल कैश यहाँ पर मिलेगा, कम से कम 100 रुपये का तो मिलेगा रियल कैश, तो पूरा रियल कैश आप यूज़ कर सकते हो, जो कि बोनस के तौर पर मिल रहा है, तो जाके ले लो, खेलो, खेल के मज़े लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, डाउनलोड कर लो प्रोबो, ठीक है। और बॉलर्स का भी प्रेडिक्शन आता है कि ये बॉलर 2 विकेट लेगा नहीं लेगा, 6 ओवर में 3 रन बनेंगे नहीं बनेंगे, 6 ओवर उतने विकेट गिरेंगे नहीं गिरेंगे, तो ऐसे प्रेडिक्शन में भी आप पैसे जीत सकते हो, ठीक है। तो जाओ खेलो बिंदास। आगे बढ़ते बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, तो भाई मैच होने वाला ये दिल्ली में, और दिल्ली का भाई यहाँ की एवरेज स्कोर जो है ना वो है 165 रन का एवरेज स्कोर है यहाँ पे, और बैटिंग के लिए अच्छी विकेट है, नो डाउट बढ़िया विकेट है बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए न्यूट्रल है, और क्योंकि आप सोचो कि यहाँ पर पेसर्स को मिले 65 विकेट, स्पिनर्स को मिले लगभग 50 विकेट, तो पेसर्स स्पिनर्स दोनों को अच्छे खासे विकेट मिलते हैं, और कुछ ऐसा एडवांटेज नहीं है टॉस का, 50 बार टीम जीती है चेस करने वाली, 43 टाइम्स टीम जीती है पहले बैटिंग करने वाली, तो आप अच्छा स्कोर लगाते हो, डिफेंड भी कर सकते हो, ये मैच तो भाई दिन का मैच है तो डिफेंड बिल्कुल हो सकता है, और आराम से इस मैच में 190-200 रन की उम्मीद हम कर सकते हैं, 200 रन से ऊपर रन बनेंगे अगर मुंबई पहले बैटिंग करेगी, और 180 रन के आसपास स्कोर बनेगा अगर दिल्ली पहले बैटिंग करेगी, ठीक है। छोटी बाउंड्री है, फ्लैट विकेट होती है, बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया होती है, फास्ट बॉलर्स जिनके पास कटर्स हैं स्लोअर वन डालते हैं वो फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर विकेट अच्छे खासे मिल सकते हैं, बाकी स्पिनर्स को भी असिस्टेंट पूरे मैच में रहेगा, पावर प्ले के बाद आप स्पिनर ले आओ, गेम में रहेंगे, और ये भाई दिन का मैच है, पिच ड्राई रहेगी, स्पिनर्स हेल्प मतलब रहेंगे मैच में, पूरे मैच में, ये खासकर मैं बताना चाहता हूँ। अब बात करें हम हेड टू हेड टीम रिकॉर्ड की, देखो भाई 34 मैच खेले गए मुंबई और दिल्ली के बीच में, 19 बार मुंबई ने मैच जीता है और 15 बार दिल्ली ने मैच जीता है, ठीक है। अगर हम बात करें की स्टैट्स की, प्लेयर्स की, अगर हम आंकड़ों पर जाएं, तो मैं वो आंकड़े आपको बताने जा रहा हूं जो सच में आपके काम के हैं, ठीक है। बट उससे पहले मैं आज की मैच का प्राइवेट कॉन्टेस्ट कोड आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। जिन लोगों को नहीं पता है प्राइवेट कॉन्टेस्ट कोड किस चीज़ का है, कैसे इसका फ़ायदा उठाए, समझाता हूं। भाई हर मैच में मैं एक कॉन्टेस्ट बनाता हूं 1 लाख रुपये का, तो 1 लाख रुपये का कॉन्टेस्ट होता है, और उस कॉन्टेस्ट में आप लोगों को मैं फ्री एंट्री देता हूं, ठीक है। तो कैसे ज्वाइन करना आपको समझाता हूं मैं। आज के मैच का जो प्राइवेट कॉन्टेस्ट कोड है वो है बम्बई, BAMBAI, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो बम्बई, तो ये कोड आपको डालना है कहाँ पर, विजन 11 के ऐप पर जाओ, वहाँ पर आप जो है कॉन्टेस्ट वाले पेज में जाना, वहाँ पर ये प्राइवेट कॉन्टेस्ट का ऑप्शन होगा, इफ़े क्रिएट प्राइवेट कॉन्टेस्ट का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना और ये कोड डालना बम्बई। ये जब आप कोड डालोगे ना तो आपको 1 लाख रुपये का कॉन्टेस्ट में फ्री एंट्री मिल जाएगी, तो 1 लाख रुपये का फ्री कॉन्टेस्ट आपके लिए मैंने बनाया हुआ है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी यूट्यूब फैमिली आने वाली और कोई नहीं आने वाला,
तो ये सिर्फ आप लोग के लिए मैं बनाता हूँ, तो जाके पार्टिसिपेट करो, एकदम फ्री है। लिंक मैंने दे दिया विजन इलेवन आपका डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में जाके विजन इलेवन आप डाउनलोड कर लो। रेफर कोड मेरा अनुराग जरूर यूज़ करना ताकि आपको 100 रुपये का रियल कैश मिल जाए साइनअप करने पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, बात करते हैं की स्टैट्स की। तो भाई देखो, इस ग्राउंड पर ना 11 मैचेस खेली है दिल्ली की टीम ने, मुंबई के सामने 11 मैच खेली है और 6 मैच जीते हैं, 5 हारे हैं। फ्रेजर मैकगर्क ने 2 मैच खेले हैं इस ग्राउंड पे और दो मैच में भाई साहब इनका 88 रन है फ्रेजर मैकगर्क के, और स्ट्राइक रेट 275 की है जो कि बहुत ही तगड़ी है, ठीक है। पर एक बात मैं बता दूँ, अगर गर्मी ज़्यादा, क्योंकि झारी चर्चा एक मैच खेले थे मुंबई में, वो मैच था बहुत गर्मी थी, झेल नहीं पा रहे थे, तो दिन का मैच है, देखते हैं कि गर्मी झेल पाते नहीं झेल पाते मैकगर्क, ठीक है। बाकी पृथ्वी शॉ का जो एवरेज है मुंबई के सामने बहुत ही ख़राब एवरेज है, 17 का है और ग्राउंड पर 22 का एवरेज है। अक्षर पटेल ने 20 मैच खेले मुंबई के सामने, 20 मैच में विकेट तो ज़्यादा नहीं लिए, 14 लिए हैं बस, मगर मुंबई की बहुत बल्लेबाजों को परेशान करते हैं और 260 रन भी बना चुके हैं, तो ओवरऑल बढ़िया पिक हैं, सेफ पिक हैं। और 21 मैच इस ग्राउंड पर खेले हैं, इस ग्राउंड पर 21 मैचों में 17 विकेट हैं और 430 रन भी हैं, तो मस्ट पिक हैं अक्षर पटेल आपके लिए। मुंबई के सामने ऋषभ पंत के अगर आप एवरेज देखोगे तो बैटिंग पहले करते हुए ऋषभ पंत की एवरेज 65 की है, और सेकेंड इनिंग में जब बैटिंग करते हैं ऋषभ पंत मुंबई के सामने, तो एवरेज भाई साहब 12 की है। और लास्ट मैच भी जो मुंबई के सामने खेले थे ऋषभ पंत, सेकेंड इनिंग में जल्दी आउट हो गए थे। बाकी मुंबई के जो एक्स प्लेयर मुंबई इस ईयर ट्रिस्टान स्टेप्स पहले मुंबई में थे, इन्होंने मुंबई के सामने जो है मारे थे 25 बॉलों में 71 रन मारे थे, ठीक है, ट्रिस्टान स्टेप्स में। और उसके बाद इस ग्राउंड पे 2 मैच में 36 रन है, तो स्टेप्स के नंबर ठीक ठाक हैं और अच्छे फॉर्म में, स्पिन अच्छी खेलते हैं। और उसके बाद खलील अहमद की बात करें, 5 मैच खेले मुंबई के सामने, 5 मैच में 7 विकेट ले चुके हैं, ग्राउंड पर 9 मैच में लेकिन 4 ही विकेट है। तो खलील अहमद ने इस ग्राउंड पे बॉलिंग से उतना कुछ खास नहीं किया। बाकी कुलदीप यादव ने 9 मैच में 7 विकेट लिए हैं मुंबई के सामने, उतने अच्छे रिकॉर्ड नहीं है, और 13 मैच में बस 14 विकेट हैं इस ग्राउंड पर, मगर ये मैच दिन का कुलदीप यादव बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी मुकेश कुमार 1 मैच में 2 विकेट ले चुके हैं मुंबई के सामने और 9 मैच में 8 विकेट ले चुके हैं ग्राउंड पर। एंड्रिक नौरकिया वैसे तो बहुत कम चांस है खेलने के, 8 मैच में 9 विकेट ले चुके हैं मुंबई के सामने और 8 मैच में 7 विकेट ले चुके हैं इस ग्राउंड पर, ठीक है, तो रिकॉर्ड मैंने बता दें बट खेलने के चांस कम है। अच्छा, अब बात करते हैं मुंबई के प्लेयर्स की, लेकिन मुंबई के प्लेयर्स की बात करने से पहले हम आपसे गिवअवे का अपना पहला सवाल पूछ लेते हैं। तो भाई वो गिवअवे का जो हमारा पहला सवाल है आज की इस वीडियो का, बहुत ही सिंपल है, मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा उस प्लेयर का आपको नाम गेस करना है, ठीक है, तुक्का मारना है, तो कौन सा खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बनने वाला है इस मैच में, उस खिलाड़ी का नाम गेस करो, कमेंट बॉक्स में लिखो, तुक्का मारो। अगर आपके 3 सवालों के जवाब सही हो गए तो 5000 रुपये आप जीत जाओगे, कल की वीडियो में आपका भी नाम आ जाएगा। बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना वो जरूरी है, वो जरूर कर लो अभी से, ठीक है। चलो बाकी हाँ, बात करते हैं ईशान किशन की। ईशान किशन का भाई एवरेज जो है दिल्ली के सामने 46 का बहुत ही तगड़ा एवरेज है, मगर इस ग्राउंड पर एवरेज उतना अच्छा नहीं है, 24 का एवरेज है, बट फिर भी आपके लिए मस्ट पिक होंगे। रोहित शर्मा के भी एवरेज दिल्ली के सामने बढ़िया है, 33 का एवरेज है, ग्राउंड पर भी 37 का एवरेज, जो कि बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। बाकी सूर्य कुमार यादव का एवरेज दिल्ली के सामने 25 का है, ग्राउंड पर सिर्फ 14 का है, जबकि छोटा ग्राउंड है सूर्य कुमार, तो ये मैं सोचो ग्राउंड पे अच्छा नहीं खेलते सूर्य कुमार यादव, नहीं खेलते अच्छा अभी तक नहीं खेले, मगर खेल सकते हैं क्योंकि छोटा ग्राउंड है उनके लिए, तो बढ़िया है, ठीक है। बाकी तिलक वर्मा का एवरेज जो है 22 का है दिल्ली के सामने और ग्राउंड पर एक ही मैच खेला, 41 मारे थे इस ग्राउंड पे जब खेला था। बाकी हार्दिक पांड्या ने 18 मैच में सिर्फ 6 विकेट लिए हैं दिल्ली के सामने और रन बनाए 312, और ग्राउंड पर जब खेलते हैं तो इस ग्राउंड पर हार्दिक पांड्या के 9 मैच में सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट हैं और 110 रन है, ठीक है, 113 रन है, तो इतने कुछ खास रिकॉर्ड नहीं, बट मगर टीम में तो आपको लेना पड़ेगा, बंदा ऑलराउंडर है और क्या ही है, पता नहीं कब आ जाए बॉलिंग करने। बाकी 4 मुंबई के बल्लेबाज ऐसे हैं जो अक्षय पटेल के सामने बहुत स्ट्रगल करते हैं, कौन कौन, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, टिम डेविड और हार्दिक पांड्या, और चारों की जो स्ट्राइक रेट है वो 100 के नीचे है, तो अक्षय पटेल के सामने ये 4 मुंबई के बल्लेबाज बहुत परेशान होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, मैचअप मैं आपको आगे बता दूंगा। बाकी पीयूष चावला है मुंबई की टीम में, जिन्होंने 24 मैच में 26 विकेट लिए हैं दिल्ली के सामने और 10 मैच में 11 विकेट इस ग्राउंड पर लिए हैं, तो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। बाकी दिल्ली के स्पिनर्स ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, ठीक है, एक याद रखना कि दिल्ली के स्पिनर्स ने इस सीज़न सबसे ज़्यादा विकेट लिए हुए हैं, और वहीं मुंबई के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने सबसे कम विकेट लिए हैं, जी हाँ, ठीक है, 6 विकेट मुंबई के स्पिनर्स ने लिए हैं इस सीज़न अभी तक, ठीक है, और दिल्ली के स्पिनर्स ने 21 विकेट लिए हुए हैं। बाकी जसप्रीत बुमराह 20 मैच में 25 विकेट ले चुके हैं दिल्ली के सामने, ग्राउंड पर भी 8 मैच में 7 विकेट हैं, तो बुमराह के भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, 8 मैच में 7 ही विकेट हैं इस ग्राउंड पे, मगर भाई आपके लिए बढ़िया बॉलर है, मस्ट पिक के लेना ही पड़ेगा, पता नहीं कब यॉर्कर डालने लगे, पट पर बोल्ड मारेगा। बाकी जसप्रीत बुमराह और अक्षय पटेल ये दोनों बॉलर इस सीज़न बहुत ही इकोनॉमिकल रहे हैं, ठीक है, दोनों की इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो 7, बुमराह की तो इकोनॉमी भाई 7 से नीचे है, 6.5 से भी नीचे, और 7 के आसपास इकोनॉमी है अक्षय पटेल की, तो सबसे इकोनॉमिकल बॉलर बुमराह और अक्षय पटेल हैं इस साल IPL में, ठीक है।
अब हम बात करते हैं मैचअप्स की, ठीक है। लेकिन फिर से बता दूं, जिन लोगों ने भी प्राइवेट कॉन्टेस्ट का कोड मिस कर दिया है भाई, वो प्राइवेट कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो। फ्री 1,00,000 रुपये का कॉन्टेस्ट आपके लिए मैंने बनाया हुआ है, आपको फ्री एंट्री मिल रही है। सिंपल तरीका है ज्वाइन करने का, विजन 11 ऐप पर आज के मैच की टीम बनाओ, जाके यहाँ पर प्राइवेट कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट वाले पेज में प्राइवेट कॉन्टेस्ट, अभी क्रिएट प्राइवेट कॉन्टेस्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करो और कोड डालो बम्बई, 1,00,000 रुपये के कॉन्टेस्ट में फ्री एंट्री मिल जाएगी और फ्री एंट्री ले लो, 1,00,000 रुपये फ्री में जीत लो, ठीक है। और जिनके पास नहीं है विजन 11 का ऐप, डाउनलोड कर लो। विजन 11 का लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, ओके। बस मेरा रेफर कोड अनुराग यूज़ करना। आगे बढ़ते भाई, बात करते हैं मैचअप्स की। तो भाई मैचअप देखो, तो भाई रोहित शर्मा ने 2 बार अपना विकेट दिया एंड्रिक नौरखिया को, लेकिन 34 बॉल में 60 रन मारे हैं, तो रोहित शर्मा को नौरखिया के सामने कोई दिक्कत नहीं, ये मैचअप वेस्ट है, कोई काम का नहीं है। बाकी रोहित शर्मा ने अक्षय पटेल को 3 बार अपना विकेट दिया है, 69 बॉल्स में 63 रन हैं बस, और 3 बार अपना विकेट दिया है, तो रोहित शर्मा के सामने दिक्कत हैं, अक्षय पटेल बहुत बड़ी दिक्कत हैं, ये मैचअप लेजिट एकदम। बाकी ईशान किशन ने 25 गेंदों में 2 बार अपना विकेट दिया कुलदीप यादव को, लेकिन 46 रन भी तो मारे हैं, तो ये वाला मैचअप भी बेकार है, वेस्ट है, ठीक है। ईशान किशन को कोई खतरा नहीं किसी बॉलर के सामने इस मैच में। बाकी सूर्य कुमार यादव अक्षय पटेल को एक बार अपना विकेट दिए 60 बॉलों में, लेकिन रन बनाए सिर्फ 53, तो कहीं ना कहीं अक्षय पटेल के सामने स्ट्रगल करते हैं सूर्य कुमार यादव। बाकी सूर्य कुमार यादव ने 33 बॉलों में ऑलमोस्ट 50 रन मारे हैं एंड्रिक नौरखिया को, 2 बार अपना विकेट दिया है, तो ये वाला मैचअप भी मैं नहीं मानता, मतलब वेस्ट है, ठीक है। बाकी तिलक वर्मा और खलील अहमद के अगर आप देखोगे तो 7 गेंदों में खलील अहमद ने 2 बार आउट किया तिलक वर्मा को और सिर्फ 10 रन दिए हैं, ये मैचअप मानता हूँ मैं, तो खलील अहमद दिक्कत हो सकते हैं तिलक वर्मा के लिए। बाकी हार्दिक पांड्या ने 3 बार अपना विकेट दिया खलील अहमद को 26 बॉलों में, ठीक है। अब इनका सामना हुआ होगा डेथ ओवर्स में खलील अहमद से, तो फिर भाई 26 बॉल में सिर्फ 37 रन है, 3 बार आउट है, यहाँ पर खलील अहमद का पलड़ा भारी है। बाकी टीम डेविड और अक्षय पटेल का अगर आप मैचअप देखोगे तो 23 बॉलों में 20 रन है, 2 बार आउट है, यहाँ पर भी अक्षय पटेल का पलड़ा भारी है। पृथ्वी शॉ ने बुमराह की 22 बॉल खेली है आईपीएल में, 22 बॉलों में 16 रन बनाए और 2 बार अपना विकेट दिया है, तो यहाँ पर बुमराह का पलड़ा भारी है। अब शाय होप का भी एक मैचअप है बुमराह के साथ, लेकिन ये वनडे का है, वनडे का ओडीआई में जो 50 ओवर का फॉर्मेट होता है उसमें 20 बॉल खेली बुमराह की, शाई होप ने 8 रन मारे, 2 बार अपना विकेट दिया है, तो बुमराह को पता है कि शाई होप का विकेट कैसे लेना है। बाकी शाई होप का मैचअप मोहम्मद नाबी के साथ साथ भी है, 22 बॉलों में 30 रन बना चुके हैं और 2 बार अपना विकेट दिया है, बट मोहम्मद नाबी कितनी बॉलिंग करेंगे, तो ये मैचअप भी आपके लिए ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, आपके ऊपर है, आप सही मानो नहीं। हाँ, ऋषभ पंत के भाई रिकॉर्ड बहुत खराब है, बुमराह ने 45 बॉल कराई हैं, 43 बॉल्स में 6 बार आउट किया, 6 बार आउट किया 43 गेंदों में बुमराह ने, किसको, ऋषभ पंत को, तो ऋषभ पंत के सामने बहुत बड़ी दिक्कत है जसप्रीत बुमराह। बाकी अक्षय पटेल का और बुमराह का भी मैचअप है, 45 गेंदों में 3 बार अपना विकेट अक्षय पटेल दे चुके हैं जसप्रीत बुमराह को और रन बनाए सिर्फ 46, तो बुमराह, खलील अहमद और अक्षय पटेल ये 3 गेंदबाज ऐसे निकल के आ रहे हैं जो कि मैचअप के इसमें कई बल्लेबाजों को फंसा रहे हैं, ये 3 गेंदबाज आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे इस मैच में, सब टीम में ले लेना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, किसको अपनी टीम में कब पिक करना है, कब ड्रॉप करना है, किसके ऊपर रिस्क लेना है, कौन ट्रम्प होगा, सब बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अपने गिवअवे का हम आपसे सवाल पूछ लेते हैं। तो भाई गिवअवे का हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि इस मैच में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट किस कौन से बल्लेबाज की होने वाली है, तुक्का मारो बताओ कौन सा बल्लेबाज सबसे तेज पारी खेलने वाला है इस मैच में, ठीक है। अगर आपका तुक्का सही बैठ गया आप जीत जाएंगे 5,000 रुपये, कल की वीडियो में आपका नाम आ जाएगा। बस भाइयों याद रखना कि वो बल्लेबाज ने कम से कम 10 बॉल खेली हो तभी स्ट्राइक रेट उसका माना जाएगा, ठीक है। बताओ किसका स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया होने वाला है, तुक्का मारो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना प्राइज आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। चलो आते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। भाई ईशान किशन ऋषभ पंत दोनों सेफ ऑप्शन है, दोनों बल्लेबाज फॉर्म में, दोनों विकेट कीपिंग कर रहे हैं, मस्ट पिक ऐसे बॉलिंग भी लेना ही है। अभिषेक पोरल बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं, आपके लिए अच्छी पिक नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ, शाय होप अगर खेलते हैं मैच और दिल्ली की टीम पहले बैटिंग करती है, शाय होप को अपनी टीम में पिक करना मैंने लिखा नहीं है, बट आपके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं शाय होप इस मैच में। बाकी बैटिंग सेक्शन में आ जाए, फ्रेजर मैकगर्क अच्छे फॉर्म में, तो सेफ ऑप्शन है आपके लिए स्मॉल लीग में। रोहित शर्मा भी सेफ ऑप्शन है क्योंकि स्विंग देखने को मिलेगा नहीं, दिन का मैच है, रोहित शर्मा को भी कोई खतरा है नहीं, ठीक है। तो ये 2 बल्लेबाज आपके पक्के हो गए। सूर्य कुमार यादव भी आपके पक्के हो गए, जिस दिन इसका दिन होता है बहुत तगड़ा मारता है, ग्राउंड छोटा है, सूर्य कुमार यादव कभी भी चल सकता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 बल्लेबाज आपके पक्के हो गए, मैं इसमें मैकगर को पक्का नहीं मान रहा हूँ, रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव ये मस्ट पिक हो गए। अगर मुंबई की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप तिलक वर्मा के साथ जा सकते हो, सेफ पिक रहेंगे, ठीक है। और अगर दिल्ली की टीम पहले बैटिंग और दिल्ली की तरफ से अगर आपको रिस्क लेना है, आप पृथ्वी शॉ और मैकगर में से किसी एक को लेना जिसके ऊपर आपका दिल कहे कि हाँ, गट फीलिंग हो कि हाँ ये अच्छा करेगा, उसको ट्राई कर लेना, ठीक है। बाकी टीम डेविड स्टब्स
इंडिया लोग बहुत नीचे बैटिंग करते हैं, मगर फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहो तो पहले बैटिंग करते हो रिस्क ले सकते हो। और निहाल वगैरह रिस्की है क्योंकि बैटिंग ऑर्डर कन्फर्म नहीं है। लास्ट मैच में 5 मेंबर आए थे बैटिंग करने, बट हो सकता है आज नीचे आ जाए, आज हार्दिक पांड्या खुद को प्रमोट कर दें, तो निहाल वगैरह का बैटिंग ऑर्डर कन्फर्म नहीं है, इस वजह से स्मॉल लीग में आपके लिए रिस्की ऑप्शन होने वाले हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाए, अक्षय पटेल हार्दिक पांड्या को तो भाई लेना ही है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से ये लोग पॉइंट देने वाले हैं। बाकी मोहम्मद नाबी थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन है, मतलब कि ओवर कंफर्म नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली के पास लेफ्ट हैंडर्स हैं, दिन का मैच है, मेरे ख्याल से मोहम्मद नाबी 3 ओवर बॉलिंग करना चाहिए इस मैच में। शायद हार्दिक पांड्या के ओवर कट जाए, मगर मोहम्मद नाबी शायद बॉलिंग करेगा इस मैच में। मोहम्मद नाबी को के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो, खासकर पहले बैटिंग करते हुए, सेकंड इनिंग बॉलिंग करते हुए आपको ढेर सारे विकेट दे सकते हैं, 2-3 विकेट लेके दे सकते हैं, ठीक है। और अगर रोमारियो शेफर्ड खेल जाता है तो आपके लिए स्मॉल लीग में ट्रंप प्लेयर होगा, खास करके पहले बॉलिंग करते हुए, ओके। चलो बॉलिंग सेक्शन में आ जाए, भाई बुमराह कॉट्जिया ये मेन पेसर्स हैं मुंबई की टीम के, तो इन दोनों को तो आपको लेना ही है, मतलब दोनों टीम आपके लिए सेफ ऑप्शन है, बट अगर मुंबई पहले बॉलिंग कर रही है तो भूल के भी मत ड्रॉप करना, ठीक है। बाकी खलील अहमद मुकेश कुमार ये जो है ये दोनों मेन बॉलर हैं अभी इस वक्त दिल्ली की टीम में, तो अगर दिल्ली की टीम पहले बॉलिंग करे तो मुकेश कुमार और खलील अहमद के साथ जा सकते हो। खलील अहमद के कुछ मैचेस भी हैं कुछ खिलाड़ियों के साथ मुंबई के, तो खलील अहमद मस्ट पिक है। बाकी पीयूष चावला कुलदीप यादव इन दोनों में से जो भी सेकंड इनिंग बॉलिंग कराए आप उसके साथ चले जाना, विकेट आपको पक्का लेके देने वाले हैं क्योंकि दिन का मैच है। और नुवन तुषारा अगर खेलता है तो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आपके लिए बढ़िया ऑप्शन होने वाला है, मैं तो जरूर लूँगा नुवन तुषारा को पहले बॉलिंग करते हुए, बढ़िया यॉर्कर मारता है और डंडे उखाड़ सकता है। और एंडिक नॉर्किया, लिजार्ड विलियम्स, झारी रिचर्डसन इन तीनों में से जो भी बॉलर खेले बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, आपके लिए ट्रंप प्लेयर का रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया भाई पूरे फैंटेसी टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन में, मेरे से रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और उसके बाद बुमराह, 4 प्लेयर हो गई है मुंबई की तरफ से। बाकी अक्षर पटेल, ऋषभ पंत, यही 2 ऑप्शन हैं इनकी तरफ से, दिल्ली की तरफ से 6 ऑप्शन हो गए कैप्टन वाइस कैप्टन के इस मैच में। चलिए अब बात कर लेते हैं जरा हम अपने मैच के प्रेडिक्शन, देख लेते हैं कि मेरे क्या प्रेडिक्शन है इस मैच के, तो ध्यान से सुनना कुछ और मेरे सारे प्रेडिक्शंस। मैं बता दूं ये जो मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूं होता क्या, कुछ प्रेडिक्शन चेंज हो, जैसे कल मैंने वीडियो में क्या बताया था कलकत्ता की टीम मैच जीतेगी, है ना, बट जब लाइव शो हुआ मैंने प्लेइंग 11 देखी, पंजाब टीम चेस कर रही, मैंने भाई तुरंत बोल दिया पंजाब वाला मैच जीत रही है, तो टॉस के बाद प्रेडिक्शन जो है चेंज भी हो जाते हैं। तो इस मैच का भी लाइव शो हमारा होगा फैंटेसी काउंटडाउन, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है लाइव सेक्शन में जाके एक बार देख लो कैसा होता है हमारा शो, बहुत ही रंगबाज शो होता है, लाखों लोग आते हैं देखने, आप भी आना देखने, 2:30 बजे दोपहर को शो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, देखना। वहाँ पर आपके सवालों के जवाब हम देंगे, आपके कमेंट पढ़ेंगे, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करेंगे, आपको ग्रैंडली के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कल मैंने लाइव शो पे बोला हुआ था कि एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाओ जहाँ पर 8 विकेट से पंजाब की टीम मैच जीत रही है, स्कोर चेस हो रहा है, और जिन लोगों ने बनाया लोगों ने ग्रैंडली जीती। तो आप लाइव शो पे आना, लाइव शो को मिस ना करना, ठीक है, जरूर देखने आना, प्रेडिक्शन चेंज भी हो सकते हैं टॉस के बाद। बाकी जो अभी है वो मैं बता देता हूँ, मगर हाँ गिवअवे का जो हमारा सवाल है अगला वो मैं पूछ लेता हूँ भाई। गिवअवे का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इस मैच में सबसे ज़्यादा चौके कौन सा बल्लेबाज मारने वाला है, तो बताओ तुक्का मारो और बताओ मुझे सबसे ज़्यादा चौके कौन सा खिलाड़ी मारेगा, उस खिलाड़ी का आपको नाम गेस करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आपका तुक्का सही बैठ गया, आपने अगर सवालों के जवाब सही दे दिए तो आप जीत जाएंगे 5,000 रुपये, आपका नाम आ जाएगा कल की वीडियो में। बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, वो जरूर कर देना, वरना गिवअवे का प्राइज़ नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलने वाला। तो तुक्का मारो, बताओ कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा चौके मारेगा, अगर 2 बल्लेबाजों ने अगर बराबर बराबर चौके मारे होंगे तो जिसके फैंटेसी पॉइंट ज़्यादा होंगे वो बंदा विनर होगा, ओके। चलो अब बात करते हैं मैच के हम प्रेडिक्शंस की, तो भाई मेरा पहला प्रेडिक्शन ये कि ईशान किशन और रोहित शर्मा ये दोनों खिलाड़ी मुंबई के लिए रन बनाने वाले इस मैच में, और इनके साथ में तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव में से कोई एक बल्ला बंदा चलेगा, ज़्यादातर चांसेस सूर्य कुमार यादव के हैं, तिलक वर्मा के कम है। बाकी दिल्ली के लिए मेरा प्रेडिक्शन ये कि भाई शाय होप पक्का रन बनाएगा दिल्ली के लिए, खास करके पहले बैटिंग करते हुए शाय होप पक्का रन बनाने वाला है, और साथ में ऋषभ पंत और स्टेप्स में से किसी एक का बल्ला चलेगा, चांसेस स्टेप्स के ज़्यादा हैं, ऋषभ पंत के कम है इस मैच में, ठीक है। और मैगर्क और पृथ्वी शॉ का मैं लिखना भूल गया, मगर मैगर्क और पृथ्वी शॉ में से भी कोई एक ही बंदा चलने वाला है, कोई एक बंदा जल्दी आउट हो जाएगा, ठीक है। बाकी दिल्ली की तरफ से अक्षय पटेल पक्का विकेट लेगा, चाहे पहले बॉलिंग करे चाहे बाद में, और अगर पहले बॉलिंग करता है तो साथ में खलील अहमद विकेट लेगा, अगर सेकंड ही बॉलिंग करेगा तो कुलदीप यादव इनके साथ में विकेट लेने वाला है। बाकी मुंबई के लिए बुमराह कॉट्जिया ये दोनों गेंदबाजों को पक्का विकेट मिलेंगे, चाहे पहले बॉलिंग करे चाहे बाद में, ये दोनों गेंदबाज पक्का विकेट निकालने वाले हैं। अब अगर मुंबई अगर पहले बॉलिंग करती है तो हार्दिक पांड्या, तुषारा एक आध विकेट लेके जाएंगे, ज़्यादा चांसेस तुषारा के हैं, और अगर मुंबई अगर सेकेंड इनिंग बॉलिंग कर रही है तो
बुमराह कोटजिया के साथ में पीयूष चावला या नाभी में से कोई एक खिलाड़ी विकेट लेगा। तो पीयूष चावला नाभी दोनों को टीम में पिक कर लेना अगर मुंबई की टीम पहले बैटिंग करे, क्योंकि सेकंड इनिंग में बल्क में विकेट ये खिलाड़ी आपको दे सकते हैं। दिल्ली के पास जो बल्लेबाज हैं वो इन खिलाड़ियों को विकेट पक्का देने वाले हैं, ठीक है। बाकी मैच कौन जीतेगा, मैच मेरे हिसाब से मुंबई जीतेगा, ठीक है। और मेरे लिए मुंबई में मेरा और शायद मेरी टीम इस मैच में चेंज नहीं होगी, मुंबई ही ये मैच जीतेगी, ठीक है। तो ये मेरे मतलब कि प्रेडिक्शन है इस मैच के। अब जो टॉस के बाद अगर कोई चेंज होता है प्रेडिक्शन में, मैं लाइव शो पे मैं आपको बताई दूंगा, वरना टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर हम फैंटेसी टीम देखें इस मैच की, तो फैंटेसी टीम आप देख लो अभी। और मैंने ईशान किशन को यहाँ पर भाई साहब वाइस कैप्टन किया, अक्षर पटेल को कैप्टन किया, तो अक्षर पटेल मेरे ख्याल से आज भी ऊपर बैटिंग करेंगे और पक्का विकेट निकालेंगे, दो विकेट कम से कम। तो सेफ ऑप्शन है कैप्टन के लिए अक्षर पटेल। वाइस कैप्टन ईशान किशन को किया हुआ है, मुझे लग रहा है लंबी पारी खेलेंगे, प्लस विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट देंगे। तो अच्छी टीम है, बढ़िया टीम है, सेफ टीम है स्मॉल लीग के लिए। मगर जो मेरी फाइनल टीम होगी, जिस टीम से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ, वो टीम मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा टॉस के बाद। तो अगर टॉस के बाद अगर आपको मेरी टीम देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर लिंक नहीं काम कर रहा है तो फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करना @anuragxcricket, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, ब्लू टिक लगा है, 17 लाख लोग जुड़े हुए हैं, आप भी आके जुड़ जाओ। बहुत बड़ा परिवार है अपना, खुश परिवार है, आप भी उसका हिस्सा बनिए, ठीक है। बाकी प्राइवेट कॉन्टेस्ट का कोड मैंने आप लोगों को दे दिया वीडियो में, तो वो है बम्बई, ये कोड यूज़ करो, 1 लाख रुपये का में 1 लाख रुपये कॉन्टेस्ट में फ्री एंट्री आपको मिल जाएगी विजन 11 पे। और विजन 11 ऐप प्रोबो ऐप डाउनलोड करो, जो मैंने आपको प्लेयर्स के पे भी प्रेडिक्शन दिया ना, इन प्लेयर्स के प्रेडिक्शन का आप इस्तेमाल फैंटेसी में मान लो नहीं कर पाओगे, फैंटेसी में कर रहो एक आधी गलती हो गई आप ग्रैंड लीग नहीं जीत पाओगे, आप स्मॉल लीग हार जाओगे, मगर मेरे प्लेयर्स का प्रेडिक्शन करके आप प्रोबो पर तो एक एक प्लेयर का प्रेडिक्शन कर सकते हो ना, तो वहाँ पर माल छाप देना। जैसे 3 सवाल हैं 25-25 रन वाले, इन तीनों सवालों के जवाब आप दो जाके प्रूव पे तो क्या मारो, क्या पता वहाँ पर आपकी विनिंग हो जाए। तो जाके प्रूव और विजन लेवन दोनों प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में, दोनों पर आपको 100 रुपये का रियल कैश मिलेगा साइनअप करने पर, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से, कल मिलते हैं, सॉरी कल बोल रहा हूँ, अभी दोपहर अभी सुबह 10 बजे आज जो दूसरा मैच है लखनऊ का राजस्थान का, उसकी वीडियो जो है आपको मिल रही है सुबह 10 बजे, वो वाली वीडियो भी देख लेना। और हाँ, तीनों सवालों के जवाब दे दो कमेंट करके, 3 सवाल पूछे मैंने वीडियो में, तीनों के जवाब आप कमेंट करके आंसर करो, अगर आपके तीनों सवालों के जवाब अच्छे गए सही गए तो आप जीतेंगे 5,000 रुपये। बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 90,000 लाइक इस वीडियो में फिर से दे देंगे, अगर दे देते हैं बहुत अच्छी बात है, बाकी देखते हैं। चलो भाई, अब वेट करो, दूसरी वीडियो मिस मत करना, वो भी देख लेना। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।